शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों में दाखिले के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। वहीं निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत दाखिला पाने पालक सारी हदें पार कर फर्जीवाड़ा करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते पिछले दिनों शिक्षण संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल का मामला सामने आया है, जिसके तहत अब दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में है। शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी स्कूलों में शिक्षा को लेकर दाखिले का दौर शुरू हो गया है, जहां पालक किसी भी कीमत पर अपने बच्चों का दाखिला अपने पसंद के स्कूल में कराने सारी हदें पार कर बैठते हैं। साथ ही जिले में निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत दाखिले के लिए अभिभावक कई पैंतरे भी अपनाते हैं। वहीं कई रसूखदारों ने अपने बच्चों को आरटी के तहत सरकारी कोटे से निजी स्कूलों में प्रवेश करवाने के लिए फर्जी राशन कार्ड ही बना लिए हैं। मामला नामी शिक्षण संस्थान दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्रकाश में आया है। जब शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने ऐसे मामलों में जल्द से जल्द जांच करवा कर कार्रवाई करने की बात है। करते हैं सब में उसके बिना नहीं आना, चलो अभी करो, बाद में करना, चलो हो गया ठीक है सर। आपको बता दें, पालकों द्वारा संलग्न संदिग्ध राशन कार्डों की शिकायत के बाद जांच जिला खाद्य विभाग कर रहा है, तो उनका सरकारी कार्ड ही अभिलेख में नहीं मिल रहा है। अपील वर्ग के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संदिग्ध अंत्योदय राशन कार्ड के आधार पर प्रवेश ही नहीं दिया जा सकता, तो वहीं लॉटरी के माध्यम से चयनित लगभग 140 बच्चों के पालकों ने दाखिले के लिए विभाग के पोर्टल में अपने पते बदल बदल कर आवेदन कर दिए थे, जहाँ इन बच्चों का दाखिला निरस्त करने की कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एक अन्य मामले में जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कलेक्टर ने दो अभिभावकों पर एफआईआर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया है। इस संबंध में दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आरटी के अंतर्गत लॉटरी में जिन बच्चों को प्रवेश दिया जाना था, उन बच्चों के सभी जो आवेदन के साथ जो संलग्न दस्तावेज थे, उनका सत्यापन किया गया। ये देखा गया कि एक बच्चों को दो से अधिक स्कूल अलाट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जब उसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि जो आधार कार्ड है, एक आवेदन में उन्होंने अपने अपना आधार कार्ड लगा दिया, दूसरे में माता का लगा दिया, किसी में पिता का लगा दिया, आधार कार्ड बदल के एक बच्चे को दो बार एडमिशन आरटी में मिल गया। जबकि नियम यह है कि आप एक से अधिक स्कूल का ऑप्शन तो भर सकते हो, पर एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकते। तो ऐसी गड़बड़ी के चलते 140 आवेदन इस तरह के मिले, जिसमें एक से अधिक पते बताकर या एक से अधिक आवेदन भरकर गलत तरीके से एडमिशन लेने की कोशिश की गई है। तो ये इनकी जांच करके हमें NIC में दिए हैं कि कहाँ ये डुप्लीकेशन हुआ, कहाँ गलती हुई, इसके संबंध में हमने कार्रवाई के लिए भेजा है। और DPI को भी भेजा है कि इनके निरस्त एडमिशन को निरस्त किया जाए। अब ये अलग अलग विद्यालय के अलग अलग मामले हैं, और इस संबंध में जो भी शिकायत है उसका परीक्षण करके और उस शिकायत को सही पाए जाने के बाद ही निरस्तीकरण के लिए उनको भेजा गया। कलेक्टर महोदय द्वारा भी निर्देश है कि शासन के निर्देश का पालन करना है। मैं पहले ही बताया आपको कि एक बच्चा जो है अपने क्षेत्र में आने वाले एक से अधिक स्कूल के लिए आवेदन कर सकता है, पर एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकता। और अलग अलग आवेदन करने के कारण उसको अलग अलग स्कूल अलाट हो गया है। जब अलग अलग स्कूल अलाट हुआ, उसका परीक्षण किया गया, पता लगा आधार कार्ड पर नाम तो वही है, पर पता, एड्रेस और किरायानामा बदल के इस तरह का काम करके प्रवेश लिया गया है। तो ऐसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अगर आरटी में प्रवेश लिया गया है तो उसको निरस्त करने के लिए हमने DPI को भी लिखा है और इधर कलेक्टर महोदय को भेजा है। आपराधिक मामला, इसके पहले हमने दो के खिलाफ FIR करवा के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र भी लिखा है, और बाकी मामलों में भी आगे हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो, ताकि लोग सबक सीखें और इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति ना हो। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।